हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे एक्टिव से पैसिव वाइज चेंज करना, जो कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का देखेंगे। उससे रिलेटेड जो भी होगा, जैसे कि अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव जो होता है उस, और डबल इंट्रोगेटिव, सारा हम लोग देखेंगे कैसे एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज चेंज होता है, जो कि एग्ज़ाम में आता ही है। और हम लोगों ने मतलब ये जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इन सब का वीडियो बन चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे देख लीजिएगा। तो आज हम लोग क्या बात करते हैं, प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर एग्जांपल के लिए क्या लिखा गया है। जैसे कि सभी को टेंस तो पता ही है, तभी तो ये क्या होगा, इजीली समझ में आएगा कि जैसे कि जिसमें आता है, अगर नहीं भी पता है टेंस तो क्या हो जाएगा कि जब जिस सेंटेंस में क्या मिलता है, वॉज या वर मिलता है और आईएनजी रहेगा, ये क्या है, प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इज एम आर मिलेगा, वो भी आईएनजी के फॉर्म में रहेगा, तो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चेंज क्या होता है, बस इतना सा कि उसमें क्या लगेगा, वाज या वर, इज एम आर रहेगा ही, प्लस बीइंग लग जाता है, जो भी पैसिव वाइज चेंज होता है, इस तरीके से ये चेंज हो जाता है। रूल तो पैसिव वाइज को में जब चेंज करते हैं एक ही होता है, जैसे कि हमारा जो ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या बनता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। फर्स्ट रूल ये होता है पैसिव वाइज को चेंज करने में। और सेकंड क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, किसके अकॉर्डिंग, जो भी टेंस होता है हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। लास्ट ये क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा ही रहती है, और प्लस क्या हो जाएगा, बाय और सब्जेक्ट करके लिख देते हैं। एक ही रूल सब में अप्लाई होता है, बस चेंजेस ये होता है कि जो जैसा टेंस रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब थोड़ा सा याद करना होता है। तो यहाँ पे क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वॉज या वर है, तो जस्ट उसके बाद क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। तो चलिए हम लोग चेंज करते हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट हमारा रूल क्या था, ऑब्जेक्ट इस साइड आएगा जो कि सब्जेक्ट बन जाता है, तो यहाँ पे द मैप हो जाएगा, द मैप। अब देखिए यहाँ पे एक मैप की बात हो रही है, तो वॉज लगा देंगे, वॉज या वर दोनों में से कुछ एक लगाना है, तो वॉज हो गया हेल्पिंग वर्ब। जस्ट क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस का ये रूल है, अगर अफर्मेटिव है तो जस्ट क्या लिख देंगे, बीइंग लिख देंगे, तो वॉज बीइंग ड्रॉ। अब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ड्रॉ का क्या हो जाएगा, ड्रॉन। अब बाय, यहाँ पे क्या है, द चाइल्ड था, तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से चेंज हो गया, द मैप वॉज बीइंग ड्रॉन बाय द चाइल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, आई सब्जेक्ट है, वो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। काइट भी कहाँ आएगा, इसकी जगह सब्जेक्ट बनेगी या ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो यहाँ पे काइट से लिखते हैं। देखिए यहाँ पे काइट से, अब क्या, अब यहाँ पे तो आई के अनुसार क्या लगा था, वॉज या वर लगा था, लेकिन जब हमारा ऑब्जेक्ट इस साइड आता है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगाना है, वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। तो यहाँ पे वॉज या वर, काइट्स बहुत सारी हैं, तो वर लगा देंगे, तो क्या हो गया, वर बीइंग। मेक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, मेड। बाय, जस्ट क्या आता है, बाय, बाय। आई का क्या हो जाता है, जब ऑब्जेक्टिव केस बनता है, मे हो जाता है, ये हम हर वीडियो बताते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई का चेंज हो जाता है मे में। इस तरीके से हमारा जो था अफर्मेटिव का चेंज हो गया, अब निगेटिव। तो देखिए सेंटेंस जो लिखा है यहाँ पे, निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, बस वॉज या वर के जस्ट बाद क्या मतलब बीइंग के बीच में क्या लगा देंगे, नॉट लगा देते हैं निगेटिव के लिए। एग्जाम्पल क्या लिखा है, शी वॉज नॉट स्टीलिंग माई पर्स। शी क्या होता है, सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। इस तरीके से तो माई पर्स लिखते हैं, रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, माई पर्स। एक पर्स की बात हो रही है, माई पर्सेस होता तो बहुवचन हो जाता है, एक पर्स है, तो वॉज लगा देंगे। निगेटिव सेंटेंस था तो नॉट लगाया, अब यहाँ पर बीइंग लिखना है, जस्ट क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्टील का क्या हो जाएगा, स्टोलन। बाय, शी का क्या हो, चेंज होता है, हर, शी का हर हो जाएगा। अब यहाँ पे चेंज होगा, माई पर्स वॉज नॉट बीइंग स्टोलन बाय हर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माई ब्रदर वॉज नॉट पेंटिंग द डोर्स, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से तो यहाँ पे क्या हो गया, ये बन जाएगा और सब्जेक्ट, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, लिखते हैं द डोर्स, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे दरवाजे की बात हो रही है, द डोर्स क्या हो जाएगा, वर, निगेटिव है तो नॉट, अब आएगा बीइंग। पेंट थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, पेंटेड। बाय,
यहाँ पे क्या था माई ब्रदर, तो माई ब्रदर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चेंज हो गया, द डोर्स वर नॉट बींग पेंटेड बाय माई ब्रदर। तो ये निगेटिव था, बस क्या करना है वॉज और बींग का जस्ट बीच में क्या लिख देना है, नॉट लिख देना है। अब हम लोग इंट्रोगेटिव का देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस था उसका एग्जाम्पल क्या लिखा है, वर यू स्पीकिंग द ट्रथ है, वॉज शी नॉट बोरोइंग मनी। तो यहाँ पे रूल बस वही, जैसे कि इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव बनाना, वॉज ये वर पहले आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या आ जाएगा बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट इसकी जगह आता है और सब्जेक्ट इसकी जगह जाएगा। जो ट्रथ है उसको लिखना है, तो यहाँ पे वॉज यूज करेंगे और फिर लिखते हैं द ट्रथ, हो गया वॉज ऑब्जेक्ट आ गया। अब क्या करना है बींग लिखना है यहाँ पे, तो हो जाएगा बींग, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी स्पोकन बाय यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है यू, तो बाय यू क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से चेंज हो गया, वॉज हो गया। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्या है, वॉज शी नॉट बोरोइंग मनी। तो यहाँ पे ये क्या है सब्जेक्ट है, ये क्या है वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इसकी जगह आएगा और ये इसकी जगह। यहाँ पे देखिए एक चीज़ क्या है, नॉट भी लगा हुआ है, तो इस तरीके से सेंटेंस आएगा तो कैसे होगा, मनी इस साइड आएगा तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वॉज मनी, ठीक है। जस्ट क्या है वॉज ऑब्जेक्ट निगेटिव था तो यहीं पे नॉट लिख देंगे, तब बींग लिखेंगे, ठीक है, नॉट बींग। अब क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म बोरोइंग आएगा, बोरोइंग का क्या कर देंगे बोरोड, हाँ यहाँ पे ओ बोरोड। अब क्या हो जाएगा बाय और शी, शी का क्या हो जाएगा हर, बाय हर क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से ये चेंज हो गया, कैसे वॉज मनी नॉट बींग बोरोड बाय हर। तो हम लोगों ने क्या देख लिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लिया। अब इंट्रोगेटिव का क्या लिखा है एग्जाम्पल के लिए, हु वॉज सॉल्विंग द क्वेश्चन, इस तरीके से। नेक्स्ट क्या है, वेयर वॉज ही प्लेसिंग द वॉच, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है, रूल क्या होता है, जो भी क्वेश्चन वर्ड होता है, जैसे कि अभी सब्जेक्ट क्या चला जाता है इस साइड, ऑब्जेक्ट इस साइड आ जाता था, यहाँ पे क्या करना है, ये जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा वो अपने ही जगह पे रहता है, बस इतने को हम लोग क्या करते हैं चेंज करते हैं। इसमें भी अगर कोई सब्जेक्ट रहता है यहाँ पे नहीं है, इसमें है तो हम बताएंगे कैसे होगा। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन वर्ड वॉज एवर लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बींग, फिर क्या हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, इस तरीके से। तो चेंज करते हैं, यहाँ पे देखिए हु का क्या चेंज होता है बाय होम में, तो यहाँ पर लिख देंगे बाय होम, ठीक है। अब करना क्या है, वॉज या वर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो द क्वेश्चन जो है हमारा ये क्या है ऑब्जेक्ट है और ये क्या है वर्ब है, ये इस साइड आएगा, तो द क्वेश्चन क्या है प्लूरल बहुत सारा है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा वर्ब, द क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या गया वर और द क्वेश्चन हो गया, फिर यहाँ पे क्या लिखना है बींग लिखना है, तो लिख देते हैं बींग। सॉल्व का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा सॉल्व्ड बाय, बस यहीं तक रहेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है, अगर यहाँ पर ही वगैरह कुछ भी होता तो हम बाय करके लिख देते हैं, जब अगर कुछ नहीं दिया तो जितना भी रूल जहाँ तक जा रहा है वहीं तक लिख देंगे, हो गया। नेक्स्ट क्या है, वेयर वॉज ही प्लेसिंग द वॉच, यहाँ पे क्या है वेयर ही क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट ले लेंगे, ये वर्ब है, ये क्या है ऑब्जेक्ट है, तो ये इसकी जगह आ जाएगा और ये इसकी जगह चला जाएगा, इस तरीके से। वेयर का क्या चेंज होता है वेयर, याद रखिएगा सिर्फ हु का क्या होता है बाय होम होता है, बाकी जो भी क्वेश्चन वर्ड होता है जैसे कि हाउ हो गया हाउ का हाउ, वेयर है तो वेयर का वेयर हो गया, और इस तरीके व्हाट है व्हाट का व्हाट ही रहता है, व्हेन का व्हेन ही रहता है, तो इस तरीके से होता है। यहाँ पे वेयर का क्या लिखेंगे वेयर, अब हेल्पिंग वर्ब लाना है द वॉच, एक ही घड़ी है तो वहाँ पर वॉच लिख देंगे, वॉच वॉच के बाद द वॉच, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, बींग आएगा जस्ट, तो बींग हो गया, बींग के बाद क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लेसिंग का थर्ड फॉर्म प्लेस्ड, ठीक है। अब जस्ट क्या आएगा बाय प्लस सब्जेक्ट, तो बाय लिखेंगे, यहाँ पे ही है, ही का क्या हो जाएगा हिम क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे ये चेंज हो गया, वेयर वॉज द वॉच बींग प्लेस्ड बाय हिम, तो इस तरीके से रहेगा तो कैसे चेंज होगा। तो आज हम लोगों ने क्या देख लिया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव कैसे चेंज होगा, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।